अभी गोट लगाना है, फुलना लगाना है, डाढ़ी लगाना है, इतना काम अभी बाकी है। और शादी आप लोग को पता ही है कि नज़दीक ही है, आज से एक हफ्ता। तो फटाफट सिल ले रहे हैं, उसके बाद गोट फुलना लगाएंगे। हेलो फ्रेंड एंड गुड मॉर्निंग, मैं दीपा कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने दीपा कुमारी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई हो कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आप चलते हैं घर में। और आज का मौसम कुछ अच्छा है, फिर भी हवा चल रहा है बड़ा मस्त मस्त। और इधर देखिए सिस्टर हमारी क्या कर रही है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? इधर देखिए चाय पियाई हो रही है। आइए चाय पी लीजिए। तब आलू की सब्जी बनी, आलू बनेगा। तो इधर जा रहा है देखिए हमारे खाना बनने के लिए। सिस्टर हमारी आलू आलू लेके आई हैं और रोज डेली आलू की सब्जी बनती है। तो मम्मी कह रही है कि मटर की दाल बना दो, तो मटर है ये नहीं है, सिर्फ राहर की दाल है। तो मम्मी कह रही राहर की डाल दो, तो सिस्टर कह रही कि राहर की दाल निछान अच्छी नहीं लगेगी, इसको जैसे नहीं डालेगी। हाँ अच्छे तो लगेगी, मगर वो सिस्टर डाल ही नहीं रही है, कह रही सब्जी बनाएंगे। तो इसको देखिए इधर लेके आई है, आलू आलू काटने जा रही है अभी। और इधर आइए आप लोग चाय पी लीजिए गरम गरम। इधर सिस्टर हमारी रोटी बना रही हैं, एक मोट रोटी। और हवा चल रही है बड़ी तेज़ी से, तो देखिए जो लकड़ी लगाए हुए हैं ना, तो उसकी राखी जो बड़ी तेज़ी से उड़ रही है। आज बनी है सोयाबीन की सब्जी, चावल रोटी। तो आइए आप लोग खा लीजिए। खाना बनाने के लिए कपड़ा इधर काट चुके हैं, अभी जा रहे हैं सिलने के लिए। तो आप लोगों से फटाफट सिल लेते हैं कपड़ा, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है? तो आप लोग बने वीडियो में। पाँच गो बेना बन गया और एक छठवां बन रहा है। और जल्दी जल्दी बना रहे हैं क्योंकि एक ही काम नहीं रहता ना, और सारा काम रहता है, वीडियो भी शूट करना रहता है। तो इसको ऐसे जल्दी जल्दी अभी बना रहे हैं। अभी गोट लगाना है, फुलना लगाना है, डाढ़ी लगाना है, इतना काम अभी बाकी है। और शादी आप लोग को पता ही है कि नज़दीक ही है, आज से एक हफ्ता। तो फटाफट सिल ले रहे हैं, उसके बाद गोट फुलना लगाएंगे। अभी फोफी भी नहीं खरीद के लेके आए हैं, अभी डाढ़ी भी काटना है, फोफी भी काटना है। इसमें देखिए थैली डाले हैं, कितना अच्छा सा सिला है। और जो पांच गो बनाए हैं ना, उसमें थैली है, पर वो दूसरी वाली जो एकदम से जाली जाली नहीं रहती, वो वाली है थैली, एकदम झांझर थी। तो इतना टाइट इतना अच्छा से वो वाला नहीं, वो सब मतलब अच्छा से नहीं, थोड़ा प्लेन नहीं बन पाया, मगर फिर भी अच्छा बना है। ये वाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम अच्छा से बैठ गया है, एकदम जम रहा है। तो और ये तो सिली लिए। और ये देखिए जो बनाए हैं बेना, एक ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच हो गया, ये वाला छः। बेना दिख रहा है कि नहीं मम्मी? हाँ दिखा था। तो अभी गोट वोट लगाना है अच्छा से। तो अब तो सिली लिए एक और बेना, 7 गो बेना बताई थी। मेरी गर्मी भी लग रही है, अब तो मन कर आ जाएँ थोड़ा वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि शाम में बारिश आती है ना बहुत तेज़ी से। तो सोच रहे हैं कि आज नहीं बनाएंगे, कल गोट फुलना लगाएंगे। और आज जा रहे हैं वीडियो को शूट करने, ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाने। तो आप लोग बने वीडियो में, ठीक है? मन के ना मम्मी उधर देखिए हमारे बकरिया को लेके आ रही है, वॉशरूम करा के बाहर लेके गई थी वॉशरूम कराने। फ्रेंड मम्मी क्यों बोल रही है पता है आप लोगों को? मौसी के घर पे गए थे ना, तो वहाँ पे मोबाइल हम रख के चले गए थे। तो पता नहीं कौन उसका जो मोबाइल में का प्लास्टिक का नहीं लगाया रहता है, बिसाती आ गए थे, इसकी वजह से कट कर दिए थे। तो दोस्तों वही ना, जब मौसी के घर पे गए थे तब मोबाइल को तो वहीं पर रख के चले जाते थे रोपने के लिए धान। और पता नहीं कौन कैसे मोबाइल को पटक दिया, कि कैसे कि उचार रहा था, कि कैसे उसका जो मोबाइल का ग्लास रहता है ना, उसको सरका दिया है और वो कैमरे पे आके छेक लिया है एकदम से। और उचर भी गया है, इतना उचर गया है। और मैं आज देखी हूँ, वहाँ पे जब थी तब नहीं ध्यान दी। और जब मैं वहाँ से आई उसके बाद फिर घर पे देखी तो ग्लास निकला हुआ है, तो इसकी वजह से वही मम्मी बोल रही थी। कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हैं? क्या करे, तो आज के जा रहा उधर घूमने के लिए। तो आप लोग को नहीं बताएं किसकी शादी, वो हमारे मामा की लड़की की शादी है, तो वही बोले थे, मतलब मामा की लड़की है हमारी, वही बोली थी कि 7 गो बेना बना देना, तो वही हम सिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे अब कब से कि अभी पता नहीं चला कि शादी किसकी है, तो वही जाना है 9 तारीख को है, 9-10, तो इसलिए सब तैयारी हो रही है। अभी तो फिलहाल ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं हुई, सिर्फ बस बेना बना है, बेने की तैयारी, बेना बनाना वही बाकी था, तो सबसे पहले तो वही बेना बना रहे। कहाँ हो पकौड़ी लाल, कहाँ? यहाँ पे देखिए हम जो सब्जी बोए थे, इतना ज़्यादा घास जाम गया है कि क्या बताएँ। तो अभी घास वास भी काटना है, फिर फिलहाल आज नहीं काटेंगे, दूसरे में काटेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।